यूट्यूब चैनल फैंटसी सेलेक्टर पे यहाँ पर हम बात करेंगे आज के आंध्रा प्रीमियर लीग T20 के दूसरे मैच के बारे में, जो कि VZW और BJW के बीच में खेला जाएगा YS राजशेखर रेड्डी के उसी मैदान पर, जहाँ पर अभी तक कंप्लीट रूप से अगर मैं बात करूँ तो दो मुकाबले हो चुके थे जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, और तीसरा मुकाबला यहाँ पर ऑन गोइंग था जिसमें पहली इनिंग का मैच खत्म हो गया था और सेकेंड इनिंग में भी 61 रन बन गए थे, करीब 8 से 9 ओवर के बीच का आसपास का ओवर हो चुका था, तो वहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो 4 विकेटें गिर गई थी। तो क्या यहाँ पर कंडीशंस बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं? साथ ही साथ आपको भी बता दूं, अभी मैं फिलहाल स्कोर कार्ड देख भी रहा हूं, जो तीसरा मुकाबला लाइव चल रहा था उसमें भी क्या अपडेट है उसको भी आगे आपको मैं बता दूंगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पिच है वो एक अच्छी खाली वेल बैलेंस्ड विकेट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जहां पर अगर बल्लेबाजों ने जरा सा भी लूज शॉट्स यहां पर खेले तो आपको विकेट गंवाते हुए दिखाई पड़ेंगे, और गेंदबाज अगर यहां पर लूज बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़े तो उनको शॉट्स लगती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो एक स्पोर्टिंग वेल बैलेंस्ड विकेट है यहां पर, लेकिन अभी तक के जो दो मुकाबले खेले गए हैं दोनों मुकाबले यहां पर चेज करते हुए टीमें जीती थी, जो कल के दिन के दोनों मुकाबले हुए थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज भी एक मैच यहाँ पर हो चुका है, और बेसिकली उस मैच में अगर आप जाकर के देखें तो पहली इनिंग में 155 रन बना, जैसा आपको मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया भी है 7 विकेट पर, लेकिन अभी जस्ट मैं अपने सामने ही स्कोर कार्ड देख रहा हूँ तो सेकेंड इनिंग में अगर मैं बात करूँ तो स्कोर जो है वो करीब 127 रन बने हैं, और टीम सामने वाली ऑल आउट हो गई, जो जो टीम चेज कर रही थी, यानी कि सेकेंड इनिंग में 127 रन बने और ऑल आउट हो गई टीम, तो चेज करने वाली टीम यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है, बैट्समैन के लिए भी है, लेकिन उनको टिक करके खेलना पड़ेगा। ओवरऑल बॉलिंग की तरफ यहाँ पर थोड़े से टिल्ट होती हुई विकेट बनाई गई है, एवरेज स्कोर यहाँ पर अभी तक था पहले दो मुकाबले में 107 रन पहली इनिंग का, सेकंड इनिंग का 109 रन, 6 से 7 विकेटें गिर रही थी, लेकिन जैसे ही आपको तीसरा मैच होता हुआ आज के दिन का दिखाई पड़ा 155 रन बने 7 विकेट पर पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में टीम ऑल आउट हो गई चेज करते हुए। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि टीम जो टॉस जीतेगी मेरे हिसाब से वो जाएगी आज के इस मैच में बैटिंग करने के लिए, चूंकि पहली इनिंग में बैटिंग करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होगा सेकेंड इनिंग के अपेक्षा, और यहाँ पर चेज करना उतना आसान होने वाला है नहीं, और इसी वजह से जो टॉस का अपडेट होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी फाइनल टीम बेस करेगी कि हमारी फाइनल टीम बनेगी क्या, वो टॉस पर डिपेंड करेगी, और वो फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल का, उनमें से किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, सीधा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे, और नीचे आपको एक ज्वाइन बटन देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर पाएंगे। इवन इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप जाएंगे तो एक पिन किया हुआ कमेंट है जिसमें सेम लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम का चैनल का, जिसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आज जो इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है T20 वाला, पहला T20, उसमें 1,10,000 रुपये का गिव अवे आपके लिए मैंने रखवाया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर जाकर के 1,10,000 रुपये बिल्कुल फ्री में मल्टीपल टीम्स के साथ, वो भी एक टीम के साथ नहीं, तो जाकर के ज्वाइन करिए और जीतने के चांसेस आपके पास हो जाएंगे फ्री में 1,10,000 रुपये। तो जल्दी जाकर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, बहुत सारे फायदे वहाँ पर होते हैं, और इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच होगा आज उसका भी जो एनालिसिस वीडियो है वो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर मैं डाल दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब आगे बढ़ते बात करें यहाँ पर प्लेइंग 11 के, जो वाइजैक वॉरियर्स की जो टीम है इनकी तरफ से अगर मैं बात करूँ, वाइजैक वॉरियर्स उपन्ना MMS गिरिनाथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, 38 मैच खेल चुके हैं, 1,010 रन बना चुके हैं T20 में, 70 हाईएस्ट स्कोर है, 28 का बैटिंग एवरेज है। वनडे में अगर मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक वनडे में 26 मैच है, 989 रन, 118 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 39 का एवरेज है, तो वनडे में ज़्यादा बेहतर, T20 में थोड़ा सा कम बेहतर, लेकिन स्टिल काफ़ी बढ़िया टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। बाकी एम अभिनव आते हैं, 38 मैच में 770 रन है, 74 का हाईएस्ट स्कोर है, 24 का एवरेज है, 11 विकेट हैं, लेग स्पिन बॉलिंग से और राइट हैंडेड बैट्समैन के रूप में जो ये T20 खेले, और वनडे में 48 मैच में 20 विकेटें हैं, 1934 रन, 140 का हाईएस्ट स्कोर है, शानदार 60 का एवरेज है, तो वनडे में तो काफ़ी कमाल इन्होंने कर रखा है। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही बड़े प्लेयर इस टीम के, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े बैट्समैन इनको आप कंसीडर कर सकते हैं, वह है अश्विन हेब्बार, जो मेरे टीम के कप्तान भी हो गए आज के मैच में, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेसर, 37 T20 मैच में 1562 रन है, 124 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 62 का एवरेज है, 17 विकेटें हैं, वनडे डोमेस्टिक में 29 मैच में 1369 रन, 172 का हाईएस्ट स्कोर है, 47 का शानदार एवरेज है। तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, यानी कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंसेज आप कह सकते हैं कि जो निरंतरता है परफॉर्मेंस में वो बनी हुई है अक्रॉस द फॉर्मेट। इसके बाद आते हैं पी पृथ्वी मनोहर, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड बैट्समैन, 58 T20 में 1043 रन, 99 का हाईएस्ट स्कोर, 25 का एवरेज और 43 विकेटें, वनडे के भी स्टैट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिरिकोल्ला हरीश, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं थोड़ी बहुत कभी कभार, राइट हैंडेड बैट्समैन है, नंबर 5 पर आएंगे, 34 मैच 558 रन है और 109 विकेटें भी है, वनडे में भी 31 मैच 419 रन, 11 विकेटें हैं। बाकी करण सिंधे हैं, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग करते हैं, ज़्यादातर गूगली पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन बॉलिंग भी
कभी कभार ही करते हैं, 47 में 7 ही विकेट, लेकिन रन ज़्यादा है इनके पास, 1104 रन, और उसमें 28 का बैटिंग एवरेज है। वनडे के भी स्टैट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोसुरु कृष्णा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 62 मैच 72 विकेटें, 1018 रन भी, और बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, पिक करिएगा जरूर इनको आप। बाकी आते हैं कि सुदर्शन, 17 मैच 23 विकेटें हैं, T20 में अपने राइट हैंड फास्ट बॉलिंग से, वनडे में 19 मैच 30 विकेटें हैं। इसके बाद आते हैं एम अजानेलू लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 41 मैच 49 विकेटें हैं, T20 में 18 मैच 17 विकेटें हैं वनडे में। इसके बाद आते हैं कार्तिक रमन, एक और दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, 11 मैच 25 विकेटें हैं, और जी मल्लिकार्जुना लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 3 मैच 5 विकेटें हैं, T20 में 8 मैच 11 विकेटें हैं वनडे में। बाकी बेंच पर हालांकि यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं आपको प्लेइंग 11, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सैयद सलमान खेल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं, 39 का बैटिंग एवरेज है, 61 विकेटें हैं 62 मैच में, तो कमाल के आंकड़े हैं। बाकी डी नरेन रेड्डी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, इनके भी सारे स्टैट्स देख लीजिएगा, श्री सिद्धार्थ हैं, छल्ला, तनिष्क नायडू हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं सभी के स्टैट्स आपको यहाँ पर इनके इस नाम के नीचे या ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा, सभी को अब डिटेल में देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर इनमें से कोई प्लेइंग 11 में खेलेगा तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ये आपके काफ़ी काम आएंगे स्टैट्स जो आपको मैंने यहाँ पर दे रखा। तो बेसिकली मैंने पूरे स्क्वाड को ही यहाँ पर एनालाइज कर दिया, यहाँ पर वाइजैक वॉरियर्स की टीम की तरफ से, बैटिंग ऑर्डर भी मोस्ट प्रोबेबल आपको यहाँ पर बता दिया प्लेइंग 11 के साथ। अब जो दूसरी टीम है बिजावड़ा टाइगर्स की, इनकी तरफ से एम ए प्रणीत आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, 65 मैच 1386 रन है, 83 का हाइस्ट स्कोर है, 32 का शानदार एवरेज है, और 7 विकेटें भी हैं T20 में, वनडे डोमेस्टिक के 19 मैच 537 रन है, 79 का हाइस्ट स्कोर है, 41 का एवरेज है। इसके बाद आते हैं रिकी भोई, जो बहुत ही बड़े प्लेयर माने जाते हैं जब बैट्समैन, मैं तो कहूँगा दोनों टीमों में, हालांकि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो उतना नहीं, लेकिन नाम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनका बड़ा नाम है रिकी भोई का, ये सनराइजर्स के लिए खेल चुके हैं IPL में भी, 29 मैच 1016 रन बना चुके हैं, 112 नाबाद का हाई स्कोर है, 39 का एवरेज है, 2 विकेट हैं। इसके बाद आते हैं बोधापति सुमंत, ये भी एक काफ़ी बड़े नाम है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, घरेलू क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ तो राइट हैंड मीडियम फास्ट राइट हैंडेड बैट्समैन, 18 मैच 388 रन, 61 का हाई स्कोर, 28 का एवरेज, T20 में, वनडे के 5 मैच 157 रन है। इसके बाद है SJ रामी रेड्डी, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड बैट्समैन, एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, जो कि 85 मैच 1919 रन बना चुके हैं, 88 का हाइस्ट स्कोर है, 39 का शानदार एवरेज है, 70 विकेटें भी हैं। बाकी के महीप कुमार हैं, पायला अविनाश है, इन सभी के डिटेल लिस्टर सब देखिएगा, चाहे जिनकी बात करें चाहे पायला अविनाश की, दोनों ही कंप्लीट ऑलराउंडर्स हैं, दो दो तीन तीन ओवर्स तो कम से कम आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे ही। बाकी कोकिल गाड़ा कुमार हैं, ऑफ स्पिन बॉलर, 8 मैच 8 विकेटें हैं बॉलिंग करते हुए, 125 रन भी हैं, 25 के एवरेज है, और वनडे में भी 19 मैच 643 रन है, 43 के एवरेज है, 9 विकेटें हैं। बाकी BI अप्पा हैं, 12 T20 में 20 विकेटें हैं, वनडे के 3 मैच में 6 विकेटें हैं, ललित मोहन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, 49 मैच 79 विकेट्स हैं, तो बहुत ही कमाल के स्टैट्स हैं। बाकी शंभू अखिल राइट हैंड फास्ट, 62 मैच 76 विकेट, T20 में, वनडे में 12 मैच में 29 विकेटें हैं, और के साई तेजा राइट हैंड मीडियम पेसर, 8 मैच 11 विकेटें हैं, T20 में 7 मैच 9 विकेट हैं वनडे में। बाकी जो बेंच पर प्लेयर्स हैं इनके भी स्टैट्स आप वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि स्टैट्स तो मैंने लिखे दिए हैं, नाम आपके सामने लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बैटिंग बॉलिंग स्टाइल सब कुछ आपके सामने है, जैसे आपको मैंने ऊपर के प्लेयर के स्टैट्स एक्सप्लेन किए उसे उसी तरह से आप इनको भी देख लीजिएगा, तो वीडियो को पॉज करके बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा ज़्यादा भाषण नहीं देता कि आप बहुत लंबी वीडियो बना दूँ 15-20 मिनट की, जिससे बेसिकली मुझे तो फायदा ही होगा लेकिन आप शायद ऊब जाएं, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि अपनी ग्रैंड लीग की टीम आप ना सिर्फ बना पाएं बल्कि टीम बना करके विन भी कर पाएं। फिलहाल के लिए जो आपको टीम बनानी है स्मॉल लीग के लिए वो कुछ इस तरीके से होगी, इसमें यू गिरिनाथ और MA प्रणीत के रूप में 2 आपके विकेट कीपर थे, और ये 4 हो जाएंगे आपके बैट्समैन, ये दोनों हो जाएंगे ऑलराउंडर्स, और ये हो जाएंगे तीनों बॉलर्स। यहाँ पर आप एक दो काम कर सकते हैं, प्रणीत को हटा सकते हैं और कोई एक बैट्समैन जैसे अभिनव या मनोहर में से किसी एक को हटा करके 2 या 1 से लेकर के अपने बॉलर अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसके हिसाब से। बाकी अश्विन हेबार को कप्तान, रिकी भोई को वाइस कप्तान मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से कोई कप्तान है वाइस कप्तान ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिलहाल ये टीम बनाकर के आप सेव कर लीजिए, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक आपको मैंने दे दिया है। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म करेंगे, फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।